بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وقال في مقام آخر ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم. محترم و معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا موضوع سخن اس بات میں ہے کہ ولایت شرط قبولیت اعمال ہے. اس سلسلہ میں ہم نے کل کے درس میں سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 39 اور 40 سے استدلال کیا تھا، اور ساتھ ہی برادران اسلامی کی بعض کتب سے دو حدیثوں کا بھی اضافہ کیا تھا جو واضح لفظوں میں اس شے کو بیان کر رہی تھی کہ بغیر محبت و مودت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے انسان کے اعمال قبولیت کی منازل کو طے نہیں کرتے. آج ہم دو دیگر آیات کو بیان کرتے ہیں اور کتب امامیہ سے چند ایک احادیث کا تذکرہ بھی کریں گے، اور بطور تتمہ ایک حدیث قدسی کو بھی بیان کریں گے. سب سے پہلے یہ جو دو آیات ہم نے سرنامہ کلام قرار دی ہیں، پہلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والے لوگوں کی طرف یہ وحی کی گئی ہے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم شرک اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے. دوسری آیت میں ارشاد ہو رہا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو کفر اختیار کرتا ہے، وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کی جگہ کفر اختیار کرتا ہے تو اس کا عمل حبط کر لیا جائے گا، ضبط کر لیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. اب یہ دو آیات واضح لفظوں میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اعمال اس وقت تک شرف قبولیت حاصل نہیں کرتے جب تک ان کے اندر ایمان موجود نہ ہو. اب یہاں پہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پہ تو مقصود ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے،
कि अल्लाह पर ईमान लाना, नबियों पर ईमान लाना ही आमाल की कबूलियत का मूजिब बनता है। तो हमने कल ज़िक्र किया था कि आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत पर ईमान रखना, उनसे मोहब्बत करना, ये तसलसल है ईमान बिल्ला का और ईमान बिर्रसुल का। यानी अगर कोई इंसान अल्लाह पे ईमान रखता है, उसके नबियों पर ईमान रखता है, लेकिन वो आइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत पर ईमान नहीं रखता, तो उसके ईमान में नक्स है। क्योंकि खालिक कायनात ने गदीर खुम के मैदान में ये आया मुबारक नाजिल करके, और ये आया मुबारक उस वक़्त नाजिल हुई थी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को अपना जानशीन बनाया था, और मन कुंतु मौला मौला हो फहादा अलीयुन मौला की सदा बुलंद की थी। उस वक़्त जब ऐलान विलायत कर चुके तो अल्लाह ने जिब्राइल के ज़रिए से ये पैगाम पहुँचाया, अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कि आज के दिन ही 18 ज़िलहिज्जा को ऐलान विलायत के बाद मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया। दीन पहले मौजूद था, उसके अंदर तौहीद भी मौजूद थी, उसके अंदर ईमान बिर्रसुल भी मौजूद था, लेकिन दीन को कमाल तब हासिल हुआ है जब विलायत अली इब्न अबी तालिब दाखिल हुई है। और बाकी आइम्मा की इमामत भी विलायत व इमामत इमाम अली का तसलसल है। तो ये वाज़ है, और जिस तरह से हमारे यहाँ अदिल्ला अकलिया और नकलिया के ज़रिए से ये बात साबित है, अदिल्ला अकलिया हो जाएं और अदिल्ला नकलिया में आयात कुरानिया हो जाएं या अहादीस मुहम्मद व आल मुहम्मद हो जाएं, सब इस बात को वाज़ लफ्ज़ों में और वाशगाफ लफ्ज़ों में बयान करती हैं कि इमामत और विलायत आल मुहम्मद भी ईमान बिल्ला और ईमान बिर्रसुल का तसलसल है। इस तसलसल के यहाँ इनक़िता नहीं है। ईमान बिल्ला ईमान बिर्रसुल भी उस वक़्त कबूल होगा जब आइम्मा की इमामत पर ईमान रखा जाएगा। तो ये साबित हो गया कि उस वक़्त तक इंसान के आमाल शर्फ़ कबूलियत हासिल नहीं करते कर सकते जब तक उन पर विलायत मुहम्मद व आल मुहम्मद की मोहर साबित न हो। अब हम इमामिया की कुतुब से चंद एक अहादीस की तिलावत का शर्फ़ हासिल करते हैं कि जिसमें ये बात साबित की गई है कि विलायत मुहम्मद व आल मुहम्मद शर्त कबूलियत आमाल है। पहली रिवायत के जो मौजूद है किताब अल महासिन में, इसी तरह से किताब अल फ़क़ी में, मन ला यहदुरहु अल फ़क़ी में, इकाबुल आमाल में, किताब अल काफ़ी में, इसी तरह से अमालिय शेख तूसी में, इन मुतअद्दिद कुतुब में ये रिवायत वारिद हुई है। यानी पहली बात तो ये है कि एक मुअल्लिफ इस रिवायत को नकल करने वाला नहीं है, बल्कि मुतअद्दिद मुअल्लिफीन हैं, और सिलसिला रुवात भी जलीलुल कद्र सहाबी जनाब अबू हमज़ा सिमाली पर इख्तिताम पज़ीर होता है कि जिसकी जलालत में किसी किस्म का कोई शको शुबा नहीं है। ये सब मुअल्लिफीन सिलसिला रुवात के ज़रिए से जनाब अबू हमज़ा सिमाली से नकल करते हैं,
قال لنا علي بن الحسين اي البكاء افضل. ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ امام نے ہم سے سوال کیا کہ اس کائنات میں کون سی سرزمین سب سے افضل ہے؟ فقال فقلنا اللہ و رسوله و ابن رسوله صلی اللہ علیہم اعلم. تو سب صحابی جو امام کے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی، اس کا رسول اور اولاد رسول ہی بہتر جانتی ہے کہ اس کائنات میں افضل ترین بقعہ، افضل ترین سرزمین کون سی ہے. امام نے فرمایا فقال لنا افضل البقاء ما بین الرکن والمقام. پھر امام نے ہمیں یہ فرمایا کہ بہترین زمین وہ ہے کہ جو رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان موجود ہے، یعنی مسجد الحرام میں یہ جو مقام ہے، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان والی جو جگہ ہے جہاں پہ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید بھی کی گئی ہے. فرمایا کہ یہ سرزمین سب سے افضل ہے. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں ولو انا رجلا امر ما امر نوح علیہ السلام فی قومه الف سنة الا خمسین عاما یصوم النہار ویقوم اللیل فی ذلک المکان ثم لقى الله عز وجل بغیر ولایتنا لم ينفعه ذلك شيئا. کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت نوح کی عمر کے مطابق عمر پاتا ہے، دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس مقام پر یعنی رکن اور مقام کے درمیان اتنی لمبی عمر پاتا ہے اور پھر اس مقدس مقام میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، پھر وہ اللہ کو اس حال میں ملتا ہے کہ وہ ہماری ولایت کا دم نہیں بھرتا، تو پھر اسے کوئی بھی شے قیامت والے دن نفع نہیں دے گی. اب یہ واضح لفظوں میں یہ حدیث اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اگر ولایت محمد و آل محمد اعمال کے اندر داخل نہیں ہے، بے شک انسان جس قدر زیادہ عبادت خداوندی کر لے وہ عبادت اسے بالکل نفع نہیں دے گی. دوسری روایت کہ جس کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب الاعمالی میں نقل کیا ہے اور یہ بھی انتہائی جلیل القدر صحابی جناب عمار ساباتی سے نقل کی گئی ہے، اور عمار ساباتی نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اس روایت کو نقل کیا ہے. امام فرماتے ہیں ان اول ما یسأل عنہ العبد اذا وقف بین یدی اللہ جل جلالہ عن الصلوات المفروضات وعن الزکات المفروضہ وعن الصیام المفروض وعن الحج المفروض وعن ولایتنا اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. کہتے ہیں کہ جب قیامت والے دن بندہ خدا اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس سے سب سے پہلے فرض نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، واجب زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا، واجب روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا، واجب حج کے بارے میں پوچھا جائے گا،
और हमारी यानी अहले बैत की विलायत के बारे में पूछा जाएगा। फिर फरमाते हैं फ़इन अकर्रा बेविलायतना सुम्मा माता अलैहा कुबिलत मिन्हु सलावातुहु व सौमुहु व ज़कातुहु व हज्जु। अगर वो हमारी विलायत का इकरार करता है फिर उसे मौत आ जाती है तो उसकी नमाज़ें भी कबूल होंगी, उसके रोज़े भी कबूल होंगे, उसकी ज़कात भी कबूल होगी, उसकी हज भी कबूल होगी। व इन लम युकिर बे विलायतना बैन यदय अल्लाह जल्ल जलालुह लम यक़बल अल्लाह अज़्ज़ा व जल मिन्हु शैअन मिन अमालिही। लेकिन अगर वो हमारी विलायत का दम नहीं भरता और इस हाल में अल्लाह के सामने महशूर होता है तो अल्लाह ताला उसके किसी आमाल को कबूल नहीं करेगा। अगली रिवायत काफ़ी में नकल हुई है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 24। इस रिवायत को मुहम्मद बिन अहमद अस्सफवानी इनसे नकल किया गया है। इन्होंने इमाम रिदा अलैहिस्सलाम से नकल किया है कि इमाम ने फरमाया ला यक़बलुल्लाहु अमलन लिअब्दिन इल्ला बिविलायतना, कि अल्लाह ताला किसी भी बंदे का कोई अमल कबूल नहीं करेगा मगर हमारी विलायत की वजह से। फमन लम युवालेना काना मिन अहले हादहिल आया, और जो शख्स हमारी विलायत का दम नहीं भरता वो इस आया मुबारका का मिसदाक है। वकदिमना इला मा अमिलु मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। यानी जो मुनकिरीन खुदा थे, जो विलायत आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दम नहीं भरते थे तो जब उनके आमाल पेश किए जाएंगे तो उनके आमाल को फ़िज़ा में बखेर दिया जाएगा, यानी उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उनकी कोई कदर कीमत नहीं होगी। तो जब तक विलायत मौजूद नहीं है आमाल के अंदर, आमाल अपने आमाल होने का तशख़्ुस खो बैठते हैं, क्योंकि जब बदन से रूह को निकाल दिया जाए तो बदन की मौत हो जाती है। ऐसे ही आमाल की रूह आमाल से निकाल ली जाए तो वो आमाल बेकार होते हैं, ज़ाया होते हैं। आखिरी रिवायत हम ज़िक्र करके अपने मतलब को समेटते हैं। आखिरी रिवायत भी किताब काफ़ी के अंदर मौजूद है और इसको नकल किया गया है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कि रसूल खुदा ने फरमाया वल्लज़ी बअसनी बिलहक लो तअब्बद अहदुहुम अल्फ आमिन बैन अर्रुकनी वल मकाम सुम्मा लम याती बिविलायत अलीन अलैहिस्सलाम वलअइम्मते मिन वुल्दही अकब्बहुल्लाह अला मन खरेह फिन्नार। रसूल खुदा का इरशाद गिरामी है मुझे कसम है उस ज़ात की कि जिसने मुझे बरहक नबी बनाकर मबऊस किया, अगर मेरी उम्मत में से कोई शख्स रुकनों मकाम के दरमियान 1000 साल अल्लाह की इबादत करता है लेकिन वो विलायत अली इब्न अबी तालिब और उसकी औलाद में से जो आइम्मा हैं उनकी विलायत का दम नहीं भरता
तो खालिक कायनात कयामत वाले दिन उसे ऊंधे मुंह जहन्नम में डालेगा। ये हमने चंद एक रिवायात अपने सामईन के सामने ज़िक्र की हैं, और जब मैं रिवायात को देख रहा था तो सैकड़ों के हिसाब से जो मैंने सर्च किया है, सैकड़ों के हिसाब से हमें रिवायात मिली हैं इस मौजू पर कि जो ये बयान करती हैं कि अगर आमाल के अंदर रूह आमाल यानी विलायत मुहम्मद व आल मुहम्मद नहीं है, ये आमाल इस दुनिया में भी बेकार हैं और क़यामत वाले दिन ये आमाल उसके साहिब के मुंह पे दे मारे जाएंगे। ना ये आमाल उसे दुनिया में फ़ायदा देंगे, ना उसे आखरत में फ़ायदा देंगे। आखिर में हम उस हदीस कुर्सी को ज़िक्र करते हैं। कबल इसके कि हम हदीस कुर्सी को ज़िक्र करें, ये साबित हो गया, फ़कत ये पांच रिवायात नहीं है बल्कि सैकड़ों के हिसाब से रिवायात मौजूद हैं कि जो इस मफहूम और मतन को बयान करती हैं कि बग़ैर विलायत मुहम्मद व आल मुहम्मद के आमाल कबूलियत की मनाजिल तय नहीं कर सकते। लिजा तवातुर के ज़रिए से ये शय साबित हो चुकी है कि बग़ैर विलायत के इंसान का न दुनिया में गुजारा है और न आखरत में गुजारा है। हदीस कुस्सी के जिसको हम यहाँ पे ज़िक्र करना चाह रहे हैं, इस हदीस कुस्सी को ज़मख़शरी के जो बिरादरान इस्लामी के अज़ीम मुहद्दिस हैं, अज़ीम आलिम हैं, उन्होंने अपनी किताब तफसीर अल-कशाफ के मुकदमे में इस हदीस कुस्सी को नकल किया है। तो अज़ीम उनके आलिम दीन हैं कि जो इस हदीस को नकल कर रहे हैं। उस हदीस कुस्सी में खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, वला अदखुलन अल-जन्नता मन अता अलियन व इन असानी, वला अदखुलन अन्नारो वला अदखुलन अन्नारा मन असाहो व इन अताअनी। अब यहाँ पे ताकीदात मौजूद हैं जो भी अरबी अदब से आगाही रखते हैं। वला अदखुलन अल-जन्नता, लाम ताकीद के लिए, नून ताकीद के लिए, खालिक कायनात ये खालिक मोहताज नहीं है कि वो ताकीदात का तज़किरा करे, लेकिन हमें वो बता रहा है, हम हमारे ज़हनों को सामने रखते हुए वो कलाम को ताकीदात के साथ मुक़य्यद कर रहा है कि मैं बतहकीक हर उस शख्स को जन्नत में दाखिल करूँगा जो अली की विलायत कदम भरता होगा, अगरचे कभी कभार मेरी मासियत भी उसने की होगी। और इसी तरह से मैं हर उस शख्स को जहन्नम में दाखिल करूँगा जो अली का मुबगिज होगा, जो अली का इनकार करेगा, अगरचे वो मेरी इबादत ही क्यों ना करता हो। तो खालिक ने यहाँ पे बयान कर दिया कि अगर विलायत अली इब्न अबी तालिब है तो अल्लाह आमाल के अंदर मौजूद नक्स को इस विलायत के ज़रिए से मुकम्मल कर देगा और इन मोमिनीन को आखरत की अजीम और मुश्किल मनाजिल में सरफराज करेगा। और अगर आमाल के अंदर विलायत अली इब्न अबी तालिब की रूह मौजूद नहीं है तो बेशक वो अल्लाह की इबादत करता रहा है लेकिन उसने अली का इनकार किया है, अली का गुनाहगार है, तो उसकी ये इबादतें न उसे दुनिया में फ़ायदा देंगी न उसे आखरत में फ़ायदा देंगी। और यही मफहूम है, यही मकसूद है इस मशहूर व मारूफ हदीस से, या अली अंत कसीमुन्नार वल जन्ना,
मशहूर मारूफ है कि जो यह हदीस मशहूर मारूफ है और तवातुर के ज़रिए से नकल हुई है कि ऐ अली तुम जन्नत व जहन्नम के कसीम हो। कसीम का मतलब क्या है कि खाले के कायनात ने अली इब्न अबी तालिब को जन्नत व जहन्नम के लिए मीज़ान करार दिया है, यानी जिसका भी ताल्लुक अली से होगा वो जन्नत में जाएगा, जो भी अली की मोहब्बत का दम भरेगा वो दुनिया में भी सरफराज होगा, आखरत में भी कामयाबी उसके कदम चूमेगी। लेकिन जो अली का मुनकिर होगा, मौला अली अलैहिस्सलाम से बुग्ज़ व इनाद रखेगा, खुदा उसे दुनिया में भी दलील व रुसवा करेगा और आखरत में तो अजाब दायमी उसके इंतज़ार में है। दुआ करते हैं कि खालिक कायनात हमें दुनिया में भी मुहम्मद व आल मुहम्मद से मुतमस्सिक रहने की तौफीक अता फरमाए और आखरत में भी उनकी शफाअत नसीब फरमाए। खालिक से दुआ करते हैं कि वो तमाम मोमिनीन मोमिनात के जायज़ हवाइज शरिया को पूरा फरमाए। मोमिनीन किराम दुनिया के जिस खित्ता में भी हैं, खालिक कायनात मुहम्मद व आल मुहम्मद के सदका में उन्हें अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे, उन्हें हर किस्म के शर से महफूज रखे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।